यहाँ पर अचानक उपद्रवी लोग करीब हजार की संख्या में जुट हाँ, गए उस समय हम लोग एतिहातन करीब करीब ए हाँ, एस पी मसौढ़ी और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय बाबू मसौढ़ी के साथ सभी लोग हम लोग यहीं थे यहीं पर थे सुरक्षार्थ हम लोग पुलिस चलवाए भी वो तो लोग हाँ, गोली भी चला दो तरफी गोली चला इतना ढीला बरसाया माना करने लाख कोशिश करने के बावजूद वो माना नहीं इतना तंडो मचाया कि हम लोग जान बचाए अपना उसको गोली नहीं चलवाने दी उसके ऊपर कोई गोली नहीं चलाया हवा में, में गोली हवा में गोली चलाई कि बच्चा है लेकिन मानने के लिए वो तैयार बच्चा नहीं था वो लोग सब एक लगता था कि एक अपराधी किस्म के लोग बच्चे लोग हैं तो बच्चे कैसे थे सभी लोग जैसे उपद्रवी की तरह था व्यवहार हाँ। उनका कितने राउंड गोली चलाई अब तो अभी काउंटिंग नहीं हुई उधर से तो बहुत चला है कम से कम सौ राउंड गोली लड़के लोग चलाए सो राउंड चली हाँ लड़का लोग चलाया है हम लोग जैसे की मैंने पैतीस राउंड एस साहब चलवाए हैं उसके बाद सर यहाँ पे आप लोग का मालखाना भी है वहाँ पे हथियार देते हैं जहानाबाद का ये इलाका है जो यहाँ पे काफी ज्यादा नक्सल प्रभावित था तो आपको लगता है कि उनकी कोशिश ये भी थी कि मालखानी लूट ले हाँ, ले जी बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग लूटने का प्रयास किए लेकिन हम लोग एहतियातन जो बरते उसके चलते वो लोग मंदिर नहीं ढुका बाहर से ही तोड़ करके भाग गया जी रामाधी शर्मा जी आप उस समय मौके पे मौजूद थे सर, आप एक बार वापस बताए गए अब तो जिंदा बचे वही काफी है सर हाँ, जिंदा बचे हैं वही काफी है सूझबूझ से हम लोग अपने आप को बचाए हैं वो लड़के नहीं थे वो पदरे भी थे एक आध हजार कम से कम जी आप लोगों को कितनी गोलियां चलानी पड़ी हम लोग के तरफ से ए साहब जो मसौी थे वो बताएंगे कितना गोली सीधी गोलियाँ चला रहे थे नहीं, लोग चला रहे सीधी हम अच्छा। लोग जैसे आप हवा में चला के शांत करना चाहते थे हमारे बड़ी पदाधिकारी हाँ। लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे वो चाहते थे कि थाना को जला दें लेकिन हम लोग सुरक्षार्थ अपना जो बन पड़ा हाँ। एहतियात बरत के अपना सब लोग रखे है मलखाना भी यहाँ पे असलाह भी है जी जी मलखाना हमारा बचा हुआ है बाहर के बाहर जो जितना था सब तोड़ताड़ कर दिया है लोग बात बाकी अब समझिए एक बात बताइए यहाँ पे काफी ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका था एक एक समय में आपको लगता है उस तक पदवी तत्व अभी भी यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने फायरिंग की हथियार कहाँ से लेके आ गई पता नहीं कहाँ से लेके आए तो जांच का विषय है सब जांच में पता चलेगा जी देव यू हैड ब्रेव पुलिस पर्सनल रामाधीर सिंह एक काफ़ी जाबाज ये जवान है बिहार पुलिस के जिन्होंने इन उपद्रवियों को शांत किया लेकिन हम आपको आगे चल के दिखाएंगे ये मसौड़ी का वो इलाका है जो एक समय में चूंकि मैं बिहार का हूं तो हमने बचपन की अगर मैं अपनी बात करूं तो उस समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस इलाक़ा कहा जाता था जब यहां पे किसी भी तरीके की उपद्रवी एक्टिविटीज होती थी लेकिन उसको लेकर के आप देखें ये मालखाना है जहां पे यहां पे वेपन्स रखे हुए हैं और मालखाने के बाहर तक ये बड़े बड़े पत्थर यहां इसी तरीके से मौजूद हैं सो so, टाइम्स के व्यूअर्स को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट एक तरफ से मीटिंग कर रही है कोशिश कर रही है कि उन छात्रों को सुविधा दी जाए उन जो एक्चुअल छात्र हैं उनको बाकी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए उस बीच में ये देखिए उपद्रव का तांडव लुक एट द विजुअल्स द मैन इन विच दीज पीपल हैव यू नो सटली है एंड डाउन ऑल व्हीकल्स। जहाँ तक मुझे याद है उन तस्वीरों में हमने देखा था कि वो ये वही इलाका था जहाँ से फायरिंग हो रही थी तो हो सकता है कि यहाँ पे भी uh, वो जो एम टी कार्ट्रेज हैं वो मौजूद हो क्योंकि तस्वीरें साफ तौर से कर रही थी कि उस तरफ से आप देखिए अभी भी वहाँ पर लोग वहाँ पे मौजूद हैं अभी भी लोग वहाँ पर इसी तरीके से इस अंदेशे में है इस कोशिश में है कि कैसे भी पुलिस की टीम यहाँ पे हटे और एक बार फिर से वो वापस आकर के इस इलाके को इस पुलिस स्टेशन को जो आरपीएफ का पुलिस स्टेशन है उसको लूट सके उस बीच में यहाँ पे जिस तरीके से फायरिंग हुई वो साफ तौर से दिखाता है कि कोशिश थी आगजनी की विभव अगर आप पीछे आ सके लुक एट दिजअल हर कुछ जल चुका है मोटर बाइक मोटर बाइक्स को फेंका गया रेलवे ट्रैक पे ताकि किसी भी तरीके की जो मूवमेंट है वो ना हो सके हर तरफ चप्पल फैले हुए हैं अफरा तफरी का माहौल है जहां भी मैं बैठ के देखूं विभाव अगर आप लो एंगल से दिखाएंगे तो साफ तौर तो से हमारे दर्शकों को समझ में आ पाएगा कि आखिरकार यहाँ पे जो तरेगना थाना है यहाँ पे किस तरीके की घटना हुई टेयर शेयर यूज किए गए उधर से तकरीबन सौ राउंड से ज़्यादा जब फायरिंग हुई तो पुलिस को मजबूरन यहाँ पे

आप आगे आगे दिखाएं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको पूरी तरीके से तहस तहज कर दिया गया थाने को आग लगाने की कोशिश की गई हमने देखा कि किस तरीके से आगे बिया जो आरा के आगे का इलाका है वहाँ पर भी कोशिश थी कि थाने को आग लगा दी जाए लेकिन इस आग लगाने में ये लोग uh, कामयाब नहीं हो पाए आपसे कुछ ही देर पहले हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है एक और शख्स मौजूद है एक और जाबाज जवान जो दिखाएंगे विभव आप आके देखे किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है जैसे आरपीएफ के जो जवान है बिहार पुलिस के जो जवान है उनको चोट लगी है किस कितने पत्थर चल रहे थे तो हजारों का पत्थर चल रहा है एक बार चोट दिखा दें आप हमारे पास में आई एस पी साहब वैभव शर्मा जो कि काफ़ी बहादुर आईपीएस थे उन्होंने बहुत समझाया उन लोगों को कि आप लोग शांति से प्रोटेस्ट कीजिए बैठ जाइए जो भी आपका डिमांड है प्रेम से कीजिए जिससे आपकी बात सरकार तक भी जाए और ये रेल जो है सरकारी संपत्ति है और इसकी भी सेफ्टी बनी रही लेकिन वो लोग समझे नहीं सर वहाँ से गुमटी रेलवे की जो गुमटी है वहाँ से थोड़ा थोड़ा पत्थर वो लोग चलाना शुरू किए अच्छा। लेकिन साहब उसको बार 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 रोकने का प्रयास करने लगे हम लोगों के पास जो भी बल था उसके द्वारा हम लोग काफ़ी मेहनत से उसको रोकने का प्रयास किए लेकिन हम लोगों को पत्थर पे, पत्थर, पे पत्थर, पत्थर पत्थर पे पत्थर पत्थर पे पत्थर चलाता गया और हम लोग बिहार पुलिस के जवान है आपके दोस्त भी फौज में जाने के लिए कोशिश करते देंगे ऐसी उपदवी है तो होते हैं वो क्या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर जो उनको कितने साल हुआ आपको बिहार पुलिस ज्वाइन किया हम पंद्रह में ज्वाइनिंग किए थे कोशिश की थी कभी फौज में जाने की जी जी सर तो आपको भी लगता था कि पत्थर चला के चीज कभी नहीं सर कभी नहीं ऐसा हम कभी नहीं सोचते कि पत्थर चला के जो भी अपना डिमांड होता हम शांति पूर्वक रखना चाहते हैं जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और सेना पे पूरा दुनिया गर्व करता है अगर हम पत्थर चलाएँगे या किसी को सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाएंगे तो हम कैसा सेना का जवान है कुमार सानू uh, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए और आप एक जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने इस थाने को जलने से बचा लिया ये तरेगना का वो uh, पुलिस स्टेशन है दिस इज द पुलिस स्टेशन ऑफ आरपीएफ आर पी एफ एंड जी आर पीसो अटेम्पेड टू बी बर्न एंड गटेड डाउन बाय दीज वॉटर्स हु केम फ्रॉम द अदर साइड जस्ट शॉर्ट बैक वी ऑल्सो सो फ्यू ऑफ द दस्पेक्ट हु ऑन द अदर साइड हु वेटिंग टू चार्ज टू दिस लोकेशन हु Attempting to come here. These are the exclusive visuals for the viewers of Times Now. Uh, going back to the studio because what we are watch, watching and observing on the ground is very shocking. It's very uh, very alarming. तो ये हमारे सहयोगी प्रियांक की, की तस्वीरें आप देख रहे थे तारेगना से वो तस्वीरें जहाँ पर आपने देखा आपसे कुछ देर पहले कई सारी गाड़ियों में आगजनी कर दी गई।